और मैं ये आपको फिर से कह दूं कि SOPs यानी कि जिन शरायत के ऊपर हम चीज़ें खोलेंगे, अपने मुल्क की खातर, अपने गरीब लोगों की खातर, आप उसके ऊपर ज़रूर अमल करें। हमारे इस वक्त दो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक तरफ पैसे वाले लोग हैं वो अमल कर रहे हैं, जो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं वो लोग अमल भी कर रहे हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो बिल्कुल उसका मुख्तलिफ रवैया है। तो मैंने अपने रज़ाकार जो हमने टाइगर्स की पूरी फोर्स बनाई है 10 लाख की, मैं आज आपको आपको कह रहा हूँ और इंशाल्लाह आपके पास हम पूरे एक प्रोग्राम भी लेके आएंगे कि कैसे आपने लोगों के अंदर ये जाना है और उनको शऊर देना है कि किस तरह अब हमने गुजारा करना है इसके साथ। हम बंद नहीं कर सकते लोगों को, लेकिन हम कैसे इसके साथ रहना है तो हमने गुजारा कैसे करना है। तो इंशाल्लाह हम वॉलंटियर फोर्स को इस्तेमाल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तो काम कर ही रही है, हमारी पुलिस कर रही है, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ चुका है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी और पुलिस पे भी। और ये साल तो हमें जिस तरह सारी दुनिया फैसला कर बैठी है कि कम अज़ कम इस साल तो हमें गुजारा करना पड़ेगा इस वायरस के साथ। तो इस वायरस के साथ जब गुजारा करना है तो SOPs के ऊपर चलेंगे और इंशाल्लाह हमारी पूरी वॉलंटियर फोर्स और इसको और भी बड़ा करेंगे कि ये जाके लोगों के अंदर शऊर पैदा करे कि कैसे, क्या क्या आपने किन चीज़ों पे अमल करना है और कैसे हम इसका फैलाव रोक सकते हैं, आहिस्ता कर सकते हैं।